ये सर आप कल वाला तो रिवाइज करें, कल वाली जो बातें हैं यस सर। ये अगले स्टूडेंट से बात आ रही है। जी कल जाते जाते मैं तीन एग्जांपल्स के आंसर्स लिख रहा हूँ, वो कर लिए फाइनल। इसकी तरह माउंस को दाइएगा या ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर लिया। ये पहले आंसर कर बताइए, आंसर बताइए पहला। 54 मिलियन, दूसरा 54 मिलियन, जी सेकंड 441 989 20.8 मिलियन। ये कोई कल से रिलेटेड कंफ्यूजन, ये नीचे खड़ा है, ये मुझे बता दें अगर कौन सा मैंने। डबल 41989 एंड 20 पॉइंट। नहीं कोई नीचे है या इसमें क्या क्या नहीं कार्ड ले रहे हैं क्या मतलब। चले आप लोग नेक्स्ट पेज पे, पेज है कि नहीं होगा। ये चार सिनेरियोस लिखे हैं मैं सर, जितनी देर तक लोग आते हैं मैं उतनी देर पढ़े आप लोग। ये पेज नंबर अगर बुक है तो एक पेज आगे, अच्छा पेज नंबर 77 पे एक एग्जांपल है, चार सिनेरियोस बने हुए। आप लोग इंडिविजुअली पढ़े तो 2-3 मिनट वेट कर रहा हूँ। खड़ा नहीं, चलो बच्चे नहीं, बच्चे नीचे हैं क्या कर रहे हैं। आप पढ़ें जी सिनेरियो चार, अपना आंसर निकालना। देखें सर आपको पता है सर, पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना सर। ये मोशन कंप्लीट करना है, एक दफा बात करते हैं, मैं जरा वेट कर रहा हूँ, बच्चे अभी शायद आ रहे हैं, तो आप लोग अपना कंप्लीट करने की कोशिश करें, फिर कोई मसला नहीं, देखते हैं गलती अगर होती है तो सही कर लेते हैं।
स्टार ले सर, पेज नंबर 77 पेज पे कर ला यार, की होगी जगह है तो सही। अगर किसी दिन टाइम पे आए ही थे तो दुनिया ने नहीं आने दिया। आ जाए सर, बैठे सर, आपका इंतजार हो रहा सर। पेज नंबर 77 निकाल लो। चलो मेरे ख्याल हो गए इकट्ठे सारे। जी सर, गेम जरा है ऑन। एक रेट दिया हुआ, डायरेक्ट कोर्ट है या इनडायरेक्ट कोर्ट है? अगर हम यूरो जोन में, ये यूरो जोन में यूरोप में, अगर हम यूरो जोन में हैं तो ये डायरेक्ट कोर्ट है। कैसे? यूरो फिर लोकल करेंसी है और डॉलर फॉरेन करेंसी है। तो पर लिखा हुआ पर, तो अगर हम यूरो जोन में हैं तो फॉरेन करेंसी वन है, देयरफॉर डायरेक्ट कोर्ट है। कहाँ है वन? पर डॉलर, पर डॉलर। और अगर हम अमेरिका में हैं, अगर हम अमेरिका में हैं तो डॉलर लोकल करेंसी है और लोकल करेंसी वन है, उसकी भी नहीं समझ आ रही कभी ये फॉरेन करेंसी बन जाती कभी। अगर हम कहाँ है तो ये डायरेक्ट कोर्ट, अगर हम कहाँ है तो ये इनडायरेक्ट कोर्ट। अगर हम अमेरिका में है तो इनडायरेक्ट कोर्ट है। इनडायरेक्ट कोर्ट क्या होता है? लोकल करेंसी वन, लोकल करेंसी का यूनिट वन रखा हुआ और फॉरेन करेंसी वेरिएबल है। और अगर हम यूरो जोन में है तो फॉरेन करेंसी बेस में है तो डायरेक्ट कोर्ट है, अगर हम यूरो जोन की कंपनी है। अब चार सिनेरियोस हैं। पहले आपने बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बाइंग 100,000 यूरोस यूएस कंपनी है। हाँ जी, वो पूरी स्टोरी चलनी है, लेकिन पहला डिसीजन, अगर यूएस कंपनी है तो डायरेक्ट कोर्ट है या इनडायरेक्ट कोर्ट है? अगर इनडायरेक्ट कोर्ट है तो पहले सेलिंग है फिर बाइंग है, पहले सेलिंग है फिर बाइंग है अगर इनडायरेक्ट कोर्ट है। अब कितने यूरो हैं हमने खरीदने हैं? बैंक बेचेगा, नहीं, ये 1,00,000 यूरो है, 1,00,000 यूरो है। कौन सा रेट लेंगे? नहीं, वो देख रहे आप जो भी देना, जरा अगर रेट बोल देंगे तो मुझे जरा आसानी होगी। 2.0345 हमारे से रिलेटेड है, ये 1,00,000 यूरो है,
ये 2.0345 यूरो है या डॉलर है? हमें क्या पता, यूरो वर्सेस डॉलर लिखा हुआ है, क्या ये यूरोस है और डिवाइड बाय 1 डॉलर है? क्या ये यूरोस है 1 लाख? तो यूरो डिवाइड बाय यूरो होगा और मल्टीप्लाइड बाय डॉलर होगा। हम यूएस कंपनी में है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बाइंग, लाख यूरो खरीदने की कॉस्ट डॉलर्स में बतानी है। नहीं, पहले तो ये क्लियर कर लेते बात क्या। नहीं ऐसे मिटाए ना, कोई मिटने से चले, ठीक है पहले बात समझ ना जरा। 1 लाख क्या करोगे, डिवाइडेड बाय क्या करो, डिवाइडेड बाय क्यों कर रहा हूँ, यूरो डिवाइड बाय यूरो। पहला रेट क्यों लिया, दूसरा क्यों लिया? हमने खरीदना है, बैंक बेचेगा, पहला रेट तो बाई होता है। इन टू 149 152 152, क्या यूएस डॉलर? ये ही ना बात, यूएस डॉलर हमारे ख्वाब, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स ही मतलब होता है इसका, यूएस नहीं, हमारे ख्वाब छोड़े, हमारी सब कुछ ही वही है। ख्वाब सिर्फ, मैंने सिर्फ ख्वाब बोला, हमारा सब कुछ वही है। हमारा दिल वहां पहुंच चुका है, जहन वही है, मजबूरन फिजिकली यहाँ। अगर खुल गए वीजे तो हमने पहली अवेलेबल फ्लाइट बैठ जाए, और अगर फ्लाइट में जगह कम हो गई हम लटक जाएंगे। असली फ्लाइट हो ना, ये हुआ है हमारी आंखों में देखा, हालांकि पता था, कंफर्म था कि जहाज है, एक बस नहीं है, लेकिन आप डेस्परेशन चेक करें, अपने ख्वाबों की इंतहा चेक करें, हमारे भी उससे कम नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे वक्त आ जाए हम भी एक्सपोज हो जाएंगे। लिखें, वो तो कुछ रह गए थे पीछे, यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। एक जहाज को 22 करोड़ लटक जाएंगे, एक दूसरे की टांगे पकड़ लेंगे सर, अंडे जैसे सोचे लिखते हुए। ये छोड़ दें बातें, ये तो आप उधर भी ना मंजूर नहीं गए, तो कोई नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, नारे इंसान को लगा लेने चाहिए, बड़ा मजा आता है, बस इतने काफी, ऊंची नहीं लगाने चाहिए कहीं सुनना लगे, दिल में लगाए, लेकिन वो भी आराम से। महाराज सीरियस आ रहे हैं, पहले 15 मिनट आप, मैंने आपके जाए किए, आप फिर 5 मिनट और कर दिए, और टोटल 20 हो गए, सिर्फ 2 मिनट पढ़ सके। जल्दी हो रहे, जल्दी हो रहे जी, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन डन है सर, अगली लाइन पढ़े सर, ना आगे खुद ना करें, आप छोड़ दें, मेरे ख्याल मेरे साथ फिर पंगा लगा, फंस गए। सेकेंड लाइन क्या है, आप यूरो जोन में पहुंच गए, आप मेरे साथ हैं जी प्लीज। जर्नलिस्ट प्लीज मेरे साथ हैं, तो मैं पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहा हूँ बेटा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग 1 मिलियन डॉलर? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप अमेरिका में हैं, तो आपने कोई नहीं मतलब परचेज करे डॉलर, आपको पास है 1 मिलियन डॉलर, 1 मिलियन डॉलर के ही होंगे। आपके पास 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपया 10 लाख रुपए के बराबर ही होगा। फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट किया जाता है लोकल करेंसी में, तब हम कहाँ हैं? हम यूरो जोन में, यूरो जोन कंपनी को यूरोप में है, उसने क्या करना, 1 मिलियन डॉलर खरीदने। तब उसने ये डिसाइड करना है कि कितने यूरोस के बदले ये डॉलर बने। तो अब डिसीजन अमेरिका में नहीं है, अब आप यूरोप में है, तो दोबारा जरा रेट पढ़ो, क्या यूरोप के एंगल से ये डायरेक्ट कोट हो गए? इस कोट को भी नहीं समझ आ रही, कभी ये डायरेक्ट हो जाए, कभी ये इनडायरेक्ट हो जाए। अब हम अगर यूरोप में हैं, तो
तो हमारी लोकल करेंसी पहले आ रही है और फॉरेन करेंसी बेस में है। जिसना पाकिस्तान में होता है 220 रुपए पर डॉलर, डायरेक्ट कोट है पर 1 डॉलर। तो यूरोप में अगर आप हैं तो यूरोज अगेंस्ट डॉलर लिखा हो तो ये डायरेक्ट कोट है। डायरेक्ट कोट अगर है तो पहले बाइंग रेट है, फिर सेलिंग रेट है। अगली गेम 1 मिलियन अब डॉलर है हमने खरीदने हैं बेचने हैं, हमने खरीदने हैं। बैंक बेचेगा, पहले इस फैसले तक आते हैं। बैंक बेचेगा, सेलिंग रेट कौन सा? 2.02.0365। अब डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय, असली गेम है। डिवाइड बाय 1 क्यों? डॉलर एक कहाँ है बेस में, 1 डॉलर, और मल्टीप्लाई बाय 0.365। इसका ना रट्टा लगाने के भी तरीके मौजूद है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि दो दो के दिन लगे रहे, ये बात बन जाना है। वो लेना है, वो लेना है, मर्जी है, वो मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बता रहा। आंसर बताइए, मतलब बन जानी बात, बन जानी है, और ये ज्यादा बेहतर है, ये लॉजिकली बन जाएगी। राजा दिन किसको रट्टा लगाया जाएगा कि ड्रैग कोट है तो ये हो जाएगा, इन ड्रैग कोट है ये थे ये जगह, वो भी लग जाता है, लेकिन इस वक्त एक कोशिश जारी रखा। जी आंसर 2065 2036 5 डबल। ट्राई टू वाइंड अप जल्दी। नंबर 3 एंड 4, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं ना, मुझे पहली उम्मीद थी, लेकिन जिस स्पीड से हम चल रहे हैं तो इंशाल्लाह पेपरों से पहले पहले सॉल्व हो जाएगा। ये हिम्मत करें ना यार। कोई नहीं, बहरहाल जो भी हो रहा है सही तरह समझ के करें, बाकी देखी जाएगी। आप भी वेले हैं, मैं तो इंतहाई वेला। थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट करें सर। थर्ड में दोबारा अमेरिका जाए, सॉरी यूरो जोन में ही रहें, और फाइनली वहां चले जाएं। वैसे तो या वहां चले जाएं, वहां चले जाएं, मजा ही बड़ा आ रहा है, बस यहां से जाएं किसी। सर जी ठंडे दिल से सोचें कभी कभी यार, मुझे पता आपका दिल ही नहीं लगता कहीं और। 150 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2.02 हमने बेचने हैं डॉलर, बैंक बाय करेगा 2.0345 3.05175। अच्छा यहाँ ना, यहाँ अगर रेट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए ना, तो ये ना कह दीजिएगा थोड़ा सा राउंडिंग का फर्क आ रहा है। मतलब इस केस में अगर 2.03456 ले लेंगे तो ये नहीं कहना है, थोड़ा सा तो राउंडिंग ऑफ का फर्क आ रहा है, वो गलत आ रहा है, वो गलत आ रहा है। ये अब राउंडिंग ऑफ का फर्क नहीं है, ये अब रेट का फर्क है। राउंडिंग ऑफ ये है कि अगर 2.03457912 34 लिखा होता तो उसको अगर पीछे लाना, लेकिन आप ना लाए, जितना लिखा यूज करें। वाइंड अप करें सर, लास्ट 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 जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये दोबारा बेंड्रेक कोट हो गया, वो क्यों? हम दोबारा अमेरिका में पहुंच गए हैं, अमेरिका के एंगल से लोकल करेंसी बाद में है। €10 मिलियन जी हमने बेचने, इतने खरीदने, वाइंड अप करें सर, डिवाइड बाय 2.0036 into 1 4910। अच्छा सॉरी, ये जो हमने फिगर्स लिखी इनके साथ फाइनलिंग की करेंसी लिखनी चाहिए। ये पहला, दूसरा आंसर क्या है? यूरोस, डॉलर से यूरो, और तीसरा फिर डॉलर। ये ना बाप, ये मजा आया, यूरो डॉलर यार, रुपये रुपये रुपये, क्या रुपयों में आता क्या?
ये फाइनली एनी कंफ्यूजन सर। अच्छा नीचे अगर आंसर देखेंगे तो पॉइंट नंबर टू और थ्री में नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है और उधर वन और फोर में लिखा हुआ है, ये जरा देख लीजिए ना, बाद में नजर पड़े तो इसी में परेशान हो जाओ। ये नॉट एप्लीकेबल कहाँ लिखा हुआ है, नीचे कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। अगर हम यूएस में है तो पॉइंट नंबर टू और थ्री हमसे रेलिवेंट नहीं है, और अगर हम यूरो जोन में है तो वन और फोर हमसे रेलिवेंट है, फिर हम दरमियान में रेलिवेंट है। जी सर, ये अब हमने जो ये डिस्कस की है और क्लियर हो गया सर, इसकी बेस पे हमने करना क्या। असल में हमने पढ़ना है, अब ये आपके पास लिखा हुआ है, अभी इस वक्त आप थोड़ी सी बात समझने फोकस करिएगा। हमने अब यहाँ से डिस्कस ये करना है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में क्या चेंज आ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में चेंज आ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट के चेंज होने से आपको कोई रिस्क है? नहीं, मतलब ठीक है वो रिस्क, आपने फॉर एग्जांपल आज कोई मशीनरी खरीदी है 1 लाख US डॉलर्स की, आज डॉलर रेट है सपोज 220 रुपीज अगेंस्ट 1 डॉलर, आपने इसकी पेमेंट करनी है सपोज 3 महीने बाद, अगर तो आज इसकी पेमेंट कर देंगे तो 220 रेट है, बात खत्म हो। लेकिन अगर 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, क्रेडिट पे आपने मशीनें खरीदी है, तब आपका रिस्क क्या होगा, रेट चेंज हो जाए, अल्लाह करे कम हो जाए, बढ़ भी सकता है, अनसर्टेनिटी है कि 3 महीने बाद क्या रेट होगा, अनसर्टेन है। तो आप ये चाहेंगे कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट का रिस्क है, इसे मैनेज किया जा सके। तो हमने पढ़ना है इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट। इसी तरह रिवर्स कर ले, आपको किसी कस्टमर से पैसे मिलने हैं, आपने क्रेडिट सेल की एंट्री बोला, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट रिसीवेबल है, फर्स्ट करें ये पैसे $1,00,000 है, ये आपको रिसीव होने 2 महीने बाद। नहीं, ख्वाहिश तो आप ख्वाहिशात बोल रहे हैं, ये उलट भी हो सकता है, एक रिस्क है, चेंज हो जाएगा, डेली बेसिस पे चेंज होता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी है, आपको नहीं पता कि कितने पाकिस्तानी रुपए अल्टीमेटली देने पड़ेंगे अगर आपने मशीनें खरीदी थी, और कितने अल्टीमेटली पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे अगर रेट चेंज हो गए, अनसर्टेनिटी है। इस अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट हम पढ़ने लगे। अगर कैश ट्रांजेक्शन हो, आज आपने कैश ट्रांजेक्शन में आज जितने डॉलर देने पाउंड देने दे दिए या ले लिए, कैश सेल क्रेडिट कैश परचेज, फिर बहस नहीं है, प्रॉब्लम कब आएगी, जब क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन है। अब क्रेडिट सेल भी हो सकती है, क्रेडिट परचेज भी हो सकती है, अब परचेज में गुड्स भी हो सकती हैं, मशीनरीज भी हो सकती हैं, तो अगर रिसीवेबल्स हैं या पेबल्स हैं तो अल्टीमेटली ये रिसीवेबल कितने रुपयों की रिसीट में और पेबल्स अल्टीमेटली कितने रुपयों की पेमेंट में कन्वर्ट होंगे, उसका अभी हमें नहीं पता होगा, वो फ्यूचर में कौन सी अमाउंट होंगी अभी हमें अनसर्टन है। तो उस अनसर्टेनिटी को रिमूव करने का काम, रिमूव करने के तरीके अब हम पढ़ने लगे हैं इस हेडिंग में, फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट। हमारा इसमें मकसद कोई गेन्स कमाना नहीं है, मतलब अनसर्टेनिटी से बचना, कम से कम सर्टन हो के कितने देने पड़ेंगे, कम से कम सर्टन हो कितने मिलेंगे, अब हो सकता है उससे कम ज्यादा हो जाए, लेकिन कम से कम मेन मेन पता हो कितने देने पड़ सकते हैं, कितने मिल सकते हैं, तो इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। बाकी जो बातें की है, मेरे ख्याल फिगर्स की तरफ चलते हैं, कुछ बात समझ आई। अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो उसकी बहस नहीं होगी, लेकिन अगर पैसे आने हैं या जाने हैं, कुछ अरसे बाद आने हैं जाने हैं, तो उसमें रेट्स फ्लक्चुएशन की वजह से हमें जो रिस्क है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, ये हमने पढ़ना है। आप पेज नंबर कौन से पे हैं? जी, रेट कम हो ज्यादा ये बहस नहीं हो रही,
रेट कम होगा या ज्यादा होगा ये कंसिडरेटिव, हो सकता कम हो जाए हो सकता ज्यादा हो जाए, उससे गेन भी होगा लॉस भी होगा, वो फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस है। लेकिन जो अनसर्टेनिटी है क्या होगा, इसको रिमूव करने के तरीके पर एज अ बिजनेस मैनेजमेंट आप चाहेंगे कि अनसर्टेनिटीज कम से कम हम सही प्लानिंग कर सकें, मुझे कितने रुपए मिलेंगे, मैं उन रुपयों से क्या कर सकता हूँ, मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, मैं कैसे इकट्ठे करूं, $1,00,000 देने उस वो फॉर एग्जाम्पल $1,00,000 के अगेंस्ट आपको 2 करोड़ देना पड़ेगा, 2 करोड़ रुपए चाहिए होंगे डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए, समझ आता, ढाई चाहिए होंगे, 2 करोड़ 10 लाख होंगे, ये कंफर्म हो जाएगा कम से कम कि कितने रुपयों में $1,00,000 मिलेंगे। जी वो तो देख लेंगे सर, मैं आई इसकी वो करेंगे कैसे, वो तो लेकर लाते भैया, करना क्या चाहते हैं, अनसर्टेनिटी को रिमूव करना, कंफर्म हो जाए कितने देने पड़ेंगे कितने मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। तो पेज नंबर 77 पे थे आप मेरे ख्याल, इससे अगले पेज पे, इसके अगले पेज पे काफी कुछ लिखा हुआ, लेकिन पहले जरा थोड़ी सी बात जरा सही तरह आगे बढ़ा लें, इस वक्त आप मिड में ढूंढे मेथड्स, मिड से ऊपर मिल जाएगा मेथड्स फॉर मैनेजिंग, ये कुछ 77 पेज के एंड पे तो नहीं, जरा एक सेकंड जरूर दिखाइए कौन सा पेज, अरे पेज नंबर 77 के एंड पे सर, पेज नंबर 77 के एंड पे जो हेडिंग है मेथड्स फॉर मैनेजिंग और फॉर मैनेजिंग एक्सचेंज रेट पे, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है नीचे भी लिखा हुआ है, वो आराम से वर्ड समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह, कोई सुनिए पहले जो मैंने इस वक्त बात की उसके जरा मेथड्स के नाम पर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स फॉर हेजिंग, हेजिंग वर्ड आएगा बार बार, हेजिंग का मतलब एग्जैक्टली तो मैं बता दूंगा जब जरूरत पड़ेगी, हेजिंग का फिलहाल मीनिंग कवर, कवर छुपा देने, शेड बनाओ, शेड 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 सॉरी शेड समझ जाएंगे, शेड कवर कर दिया जाए, एक्सपोजर टू करेंसी रिस्क अपने आप को महफूज कर दिया जाए, शेड का मकसद क्या होता है, शेल्टर शेड कवर का मकसद बारिश से बच जाए धूप से बच जाए, उसी से हेजिंग, किसके अगेंस्ट हेज कर लें, एक्सपोजर टू करेंसी रिस्क, करेंसी रिस्क के खिलाफ हम अपना शेल्टर कर, हम उस करेंसी फ्लक्चुएशन के रिस्क से बच सके, हेजिंग किससे बचने के तरीके हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क से बचने के 4 तरीके यहां लिखा है, नंबर 1 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लें, मनी मार्केट हेज कर लें, करेंसी ऑप्शंस ले लें, करेंसी फ्यूचर्स ले लें, ये सिर्फ नाम है किन चीजों के, मेथड्स टू मैनेज एक्सचेंज रेट रिस्क, कौन से 4 मेथड्स है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट हेज, मनी मार्केट हेज, करेंसी ऑप्शंस, करेंसी फ्यूचर्स, अब क्या होते हैं ये एक एक करके हमने डिस्कस करना है, तो सबसे पहले आ गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये बुक रखनी थी, ये बुक रख, नहीं रखी ना, ये रहा बुक, ये सब कंबाइन में है इधर, नहीं है इस डेस्कटॉप पे, सुन एक मिनट, चैप्टर वाइज भी है चैप्टर, हाँ दे दे फिर अभी, तो ये बस एक मिनट जरा कर लिए, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, बस एक एक मिनट, ये चैप्टर वाइज इधर चार्जिंग केबल है,
ये देखना कौन सा ये चप्पल नहीं ये चप्पल नहीं यार जी सर जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है क्या पढ़ने लगे हेडिंग बताइए नहीं नहीं मतलब मेथड ऑफ मैनेजिंग एक्सचेंज रेट्स उसमें चार मेथड्स लिखे हुए हैं पहला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आ गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सर ये होता है इसकी डेफिनेशन देखा था आप एज अ कंपनी किसी बैंक से एक एग्रीमेंट कर लेंगे टू बाय और सेल अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी इन फ्यूचर एट अ फिक्स्ड रेट डेफिनेशन उन्होंने डेफिनेशन पढ़ा इसके नीचे लिखी हुई है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि कंपनी किसी बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद हमने पैसे देने हैं 3 महीने बाद मैं आपसे $1,00,000 खरीदूंगा आप मेरे से आज ही वो रेट फिक्स कर लें कि आप मेरे 3 महीनों बाद कितने पे $1 बेचेंगे मैंने क्या करना है डॉलर खरीदने बैंक क्या करेगा डॉलर बेचेगा वाइस वर्सा मैं आपको 3 महीने बाद डॉलर बेचूंगा आप मुझसे आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप मुझसे कितने पे खरीदेंगे बैंकों के फायदा हमारी ख्वाहिश होगी कि फर्स्ट दिन हमारा 220 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारी ख्वाहिश होगी कि एक्चुअल रेट अगर हमने पैसे देने हैं या अब हमें फर्क नहीं पड़ता हमारी ये ख्वाहिश होगी ज्यादा ही हो जाए हम 220 पे ले देंगे बैंक को क्या फायदा होगा बैंक को क्या उम्मीद होगी तो एक सॉर्ट ऑफ फ्यूचर में एक अनसर्टेनिटी से खेल के बैंक कुछ कमा भी सकता है और नुकसान भी हो सकता है
नहीं वो तो अब ये तो नहीं कि आंखें बंद की, कान बंद किए और आप भी सोचेंगे वो भी सोचेगा, एक फाइनली रेट डिसाइड हो जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि वो फ्यूचर का रेट है, वो तो फ्यूचर का फिक्स रेट होगा, उसमें वेरिएशन आ सकती है, लेकिन हमें उसका फायदा क्या होगा, हमें अनसर्टेनिटी रिमूव, बाकी उसमें फायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है, इस वक्त गेन लॉस की बात नहीं हो रही, हम गेन कमाना चाहते हैं हमारा लॉस ये नहीं बात हो रही, अनसर्टेनिटी रिमूव हो रही। अगर 220 रुपए फॉर एग्जाम्पल है, 1 लाख डॉलर है, तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि 1 करोड़ सॉरी 2 करोड़ 20 लाख रुपए, शायद 1 लाख 220 की जगह 22 मिलियन मीन 2 करोड़ 20 लाख रुपए। अब हमें 2 करोड़ 20 लाख रुपया लेके जाना होगा बैंक के पास और 1 लाख डॉलर मिल जाएगा, रेट जो भी हो। अब डेफिनेटली हमें फायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है, तो इस वक्त ये नहीं हो रहा कि हम के फायदा नुकसान के चक्कर में, गेन लॉस कमाना हमारा इस वक्त मकसद नहीं है, हम अपनी अनसर्टेनिटी को रिमूव करना चाहते हैं। रेट कोई भी हो, बैंक हमें किस पे देगा, 220 पे देगा जो डिसाइड होगा। इसी तरह अगर हम बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो डिसाइडेड रेट होगा वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर हम इधर उधर नहीं जा सकते, ये कोर्ट ऑफ लॉ में बाइंडिंग होगा, तो इधर उधर जाना चाहेगा तो डेफिनेटली वो बैंक से रिकवरी करवा लेगा। वैसे भी बैंक अगर इन ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ अपनी सिक्योरिटी के तौर पर पैसे रखवा लेगा, तो ये बाइंडिंग होगा किसके दरमियान होगा, जरा डेफिनेशन फाइनल कर रहे हैं, किसके दरमियान होगा, बैंक कंपनी और बैंक के दरमियान होगा, किस चीज का, बाय का भी हो सकता है सेल का भी हो सकता है, किसको बाय या सेल का, फॉरेन करेंसी एक अमाउंट भी डिसाइड हो जाएगी, 1 लाख डॉलर 50 लाख डॉलर 5 लाख यूरो वगैरह वगैरह, और फिर वो कितने पे बैंक देगा वो आज सेट हो जाएगा, लेकिन ये ट्रांजेक्शन सेटल कब होनी है, फ्यूचर में सेटल होनी, 3 महीने 2 महीने 1 महीना फ्यूचर में ये ट्रांजेक्शन सेटल होनी है। तो जरा इंडिविजुअल जरा डेफिनेशन देख, नहीं सर वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बहस नहीं हो रही, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्पॉट रेट पे होती है, और अगर स्पॉट रेट और एक्चुअल रेट में फर्क आ जाए तो वो गेन लॉस रिकॉर्ड होता है, उसकी कोई बहस यहाँ नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में IAS 21 में जिस दिन आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे उस दिन का रेट आप यूज करेंगे, और फ्यूचर में जब सेटलमेंट होगी तो जो रेट डिफरेंट होगा उसमें आप पेमेंट या रिसीट करेंगे। अगर ट्रांजेक्शन के डेट में और सेटलमेंट के रेट में डिफरेंस आ गया तो फॉरन एक्सचेंज गेन लॉस रिकॉर्ड होगा, वो डबल एंट्री है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसकी बहस नहीं है। हम अपने आप को फाइनेंशियली सर्टन करना चाहते हैं इस स्टोरी में कि हम कितने पे हमें डॉलर मिल जाए या हम खरीद लें, ये सब बहस है, तो डोंट मिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जी ठीक है बेटा, लाइसेंस जी, आज डिसाइड हो जाएगा ना कि हम कितनी अल्टीमेटली अमाउंट खरीदेंगे, कितने डॉलर बेचेंगे, कितनी अमाउंट हमें पता होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया होगा, हमें देने हैं लेने हैं, पता है हमें अमाउंट पता है, किस चीज की अमाउंट पता, फॉरेन करेंसी की अमाउंट पता, कौन सी नहीं पता हमें, उसके अगेंस्ट लोकल करेंसी कितनी चाहिए होगी डॉलर खरीदने के लिए, या हमें हमने अगर डॉलर भेजने तो हमें लोकल करेंसी कितनी मिलेगी, हम किस रेट को डिसाइड कर रहे हैं, ढूंढने देंगे एक्सचेंज रेट को सेट कब कर लेंगे, आज सेट कर लेंगे या फ्यूचर में सेट कर लेंगे, फ्यूचर के लिए आज सेट कर, और जो रेट आप सेट कर लेंगे उसे फिर फॉरवर्ड रेट बोला जाता है, अभी फॉरवर्ड फ्यूचर से अगला अगला रेट है, पिछला रेट है, आज यकीनन कोई रेट और हो सकता है, बैंक अपने अंदाजा लगाएगा उसका क्या जहन कहता है क्या होगा, हम अपना दोनों फिर म्यूचुअली जहां डिसाइड हो जाएंगे, जहां रुक जाएंगे एग्री हो जाएंगे, वो एक फॉरवर्ड रेट बन जाएगा, आप फिलहाल आप देख लेंगे वो भी देख लेगा, अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेगा, उसको लग रहा होगा मुझे फायदा है, हमें लग रहा होगा हमें नुकसान, हमें भी फायदा हो जाएगा, अब पता नहीं किसको होना अल्टीमेटली, ये कौन जानता है, ये रब जानता है, हमारा रब तवक्कुल बहुत ज्यादा है, हम उस तवक्कुल की वजह से ये एग्रीमेंट कर लेंगे। ये एक वर्ड आपने में से किसी ने अभी थोड़ी देर पहले बोला, इस तरह का वर्ड अलाउड नहीं है बोलना क्लास में, इंग्लिश में बात होगी सर, नहीं भाई ने एक वर्ड ऐसा बोला जो अगर बोलेंगे तो अजीब लगेगा, लेकिन अगर इंग्लिश में बात रहेगी तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा है, आपको नहीं सुना, मुझे हल्की सी बात आई, तो जिस भाई ने कहा कहा उसने सही है, उसने कोई गलत बात नहीं की, मतलब ऐसी कोई बात नहीं गलत नहीं की, लेकिन उसने उर्दू में की है तो उर्दू अलाउड नहीं इस बहस।
ये वो है वो नहीं, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये किस किस के दरमियान होता है, जल्दी जल्दी जल्दी, कंपनी और बैंक के दरमियान होता है, किस चीज का होता है, फॉरेन करेंसी बाय सेल का होता है, जिस रेट पे ये एग्रीमेंट हो जाए वो फॉरवर्ड रेट पे, ठीक है। अब पहले हमने सबसे पहले ये डिस्कस करना कि फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कैसे होता है, उसके कैलकुलेशन के तरीके हैं। अच्छा, इसके नीचे इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स पर्पसेस लिखे हुए हैं, इस साइंस में अगर हम चले गए तो ऐसे फंस जाएंगे। एक मिनट, अपने एक हेडिंग ढूंढे इस फीचर्स से पहले, नहीं नहीं हेडिंग ढूंढे, एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये थ्योरी सी जो है ये ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी, पहले जरा इसका सही कॉन्सेप्ट फाइनल। जी हेडिंग मिल गई, कौन सी पढ़ रहा हूँ, कौन सी पढ़ रहा हूँ। अब आपने फुल कंसंट्रेट करना है, कैलकुलेटर्स पकड़ने, वर्किंग्स हुई नहीं है, आपने कंसंट्रेशन लैप्स अगर की तो गेम ओवर। अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अपने लफ्जों में जल्दी दो चार चीजें बोल दें, कंपनी फिक्सेस एन एक्सचेंज रेट, क्या मतलब, फिक्स रेट फिक्स होगा विद बैंक इमीडिएटली, अभी जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये रेट फिक्स हो गया। अब ये रेट किस किस के लिए बाइंडिंग है, हमारे लिए भी है, बैंक के लिए भी। एंड बायज और सेल्स द फॉरेन करेंसी ऑन ड्यू डेट एज पर द फॉरवर्ड रेट, तीन महीने बाद, दो महीने बाद, जो भी ड्यू डेट होगी उस पर आप इस फिक्स रेट की बेस पे अपनी ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लें, उस दिन के रेट पे या इस डिसाइडेड रेट पे, जो पहले डिसाइड हो गया दैट फॉरवर्ड रेट विल बी यूज्ड ऑन दैट डेट, उस दिन का एक्चुअल रेट जो भी कम भी हो ज्यादा भी हो ये बहस नहीं है, जो डिसाइड हो गया बस इस पे अब ट्रांजैक्शन सेट हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है एस्टीमेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट, अब इसके किसके रेट की, किसके एस्टीमेशन की बात हो रही है, फॉरवर्ड रेट को एस्टिमेट करने के दो तरीके यहाँ लिखे हुए हैं, कौन कौन से, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, दूसरा है फॉरवर्ड डिस्काउंट एंड प्रीमियम। पहली बहस आ गई फॉरवर्ड रेट बाय यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, बस पेन पर हाथ में रखिएगा, साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, कुछ लिखा हुआ वो पढ़ देता हूँ। इस वक्त किसकी डिस्कशन हो रही है कि रेट कैसे एस्टीमेट हो, ये फॉरवर्ड रेट बाय यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी जो है, ये थ्योरी ये कहती है कि जो इंटरेस्ट रेट्स में डिफरेंस होता है दो मुल्कों के, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है एक्सचेंज रेट्स की कैलकुलेशन में। इन अदर वर्ड्स ये थ्योरी ये कहती है कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स मुल्कों के डिफरेंट होते हैं, उन्हीं के हिसाब से एक्सचेंज रेट्स भी डिफरेंट होते हैं। एक थ्योरी है, जरूरी नहीं है कि हर जगह यही थ्योरी अप्लाई हो, दूसरा मेथड भी है, कौन सा है, लेकिन ये थ्योरी क्या ज़िम करती है कि रेट्स में जो एक्सचेंज रेट्स में फ्लक्चुएशन होती है, ये थ्योरी में ये अजम्पशन है कि उनकी फ्लक्चुएशन की वजह मुख्तलिफ ममालिक के इंटरेस्ट रेट्स, क्या हर मुल्क का इंटरेस्ट रेट अपना ही होता है, पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अमेरिका के यूरोप के इंटरेस्ट रेट से डिफरेंट है, तो ये थ्योरी ये कहती है कि जिस तरह इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंट होते हैं, उसी इंटरेस्ट रेट्स के डिफरेंट होने से ही एक्सचेंज रेट्स में डिफरेंस आता है। और देयरफॉर इस थ्योरी से एक फॉर्मूला बना हुआ है, फॉरवर्ड रेट क्या होता है, फ्यूचर का रेट होता है, बस खत्म होगा, फ्यूचर का रेट होता है जो फिक्स होता है, वो कैसे कैलकुलेट होता है, इज इक्वल टू क्या पढ़ने लगे हम इस वक्त, फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन बाय यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। स्पॉट रेट किसे कहते हैं, आज का रेट अगर मल्टीप्लाई किया जाए, एक डिवीजन हो रही है, वन प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ फर्स्ट करेंसी और उसको फिर डिवाइड बाय वन प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ सेकेंड करेंसी। ये फर्स्ट करेंसी कौन सी होती है और सेकेंड करेंसी कौन सी होती है, गेम वंस अगेन ऑन, डायरेक्ट कोट अगर हो तो लोकल करेंसी फर्स्ट करेंसी होती है और फॉरेन करेंसी बाद में लिखी होती है, 220 रुपए पर डॉलर, रुपए अगर हम पाकिस्तान में है तो रुपया फर्स्ट करेंसी है, डायरेक्ट कोट है इनडायरेक्ट कोट है, तो अगर डायरेक्ट कोट है तो लोकल करेंसी पहले होगी और फॉरेन करेंसी बाद में होगी,
और अगर इनडायरेक्ट होता है तो ये फर्स्ट और सेकंड करेंसी डिपेंड करेगा कि डायरेक्ट कोटा या इनडायरेक्ट कोटा। फार्मूला एज इट इज है, फर्स्ट करेंसी पहले आनी है और सेकंड करेंसी बाद में आनी है, मींस डिवीजन में आनी है। लोकल पहले आनी है फॉरन, ये बहस नहीं हो रही, फर्स्ट पहले सेकंड डिवाइडेड बाय, पहले ऊपर कौन सी करेंसी है अगर दूसरी है। सेम फार्मूला वी यूज फॉर, अब लो फॉरवर्ड रेट भी होता है, हाई फॉरवर्ड रेट भी होते हैं, हो सकता है स्पॉट रेट सेम लगा, बाइंग सेलिंग रेट होता है, बाइंग लोअर होता है या सेलिंग, अगर डायरेक्ट कोट है तो बाइंग लोअर रेट है और अगर इनडायरेक्ट कोट है तो जो फॉरवर्ड रेट है वो फॉरवर्ड बाइंग रेट भी होगा, फॉरवर्ड सेलिंग रेट भी होगा। बैंक ने अगर फ्यूचर में डॉलर बाय करना है तो फॉरवर्ड बाइंग रेट कोट होगा, और अब बैंक ने अगर डॉलर बेचने फ्यूचर में तो फॉरवर्ड सेलिंग रेट होगा, इसलिए होगा। स्पॉट रेट बाइंग का होगा या सेलिंग का होगा, दोनों होगा। तो दोनों बाइंग सेलिंग जो रेट्स होंगे, इन रेट्स ने किस में कन्वर्ट होना, स्पॉट रेट्स ने फॉरवर्ड रेट्स में कन्वर्ट होना। तो स्पॉट रेट अगर बाइंग का होगा तो उससे फॉरवर्ड रेट बाइंग का निकल आएगा, और अगर स्पॉट रेट सेलिंग का होगा तो उससे फॉरवर्ड रेट सेलिंग का निकल। क्या बातें हो रही, यही पिछले दो दिन में हुई, क्या कैलकुलेट होने लगा। फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट हमेशा बाइंग का होगा, सेलिंग का भी होगा, तो स्पॉट रेट भी तो सिर्फ बाइंग का होता है। स्पॉट रेट आज का रेट है, आज का बाइंग रेट भी होगा, आज का सेलिंग रेट भी होगा। आज का बाइंग उठाएंगे तो इसी फॉर्मूले से फॉरवर्ड रेट बाइंग, बाइंग का फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। आज का सेलिंग रेट उठाएंगे तो इसी फॉर्मूले से फॉरवर्ड सेलिंग रेट, फॉर्मूला सेम है, चाहे बाइंग रेट निकालना हो चाहे सेलिंग रेट निकालना हो, लेकिन बाइंग और सेलिंग फॉरवर्ड रेट्स निकालना। ठीक है, एक नोट पढ़े, इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ये नॉर्मली पर एनम होते हैं, सबको पता जी सर। लेकिन अगर आपने 3 महीने का फॉरवर्ड रेट निकालना है या 6 महीने का निकालना है तो अकॉर्डिंगली फिर आप इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाइड बाय 3/12 करेंगे अगर 3 महीने का निकालना है, और अगर 6 मंथ्स का निकालना 6/12 4 मंथ्स का निकालना, तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट को ऊपर लिखना 1+ इंटरेस्ट रेट, इसको फिर अकॉर्डिंगली टाइम के मुताबिक एडजस्ट करें। इंटरेस्ट रेट इज नॉर्मली गिवन फॉर 1 ईयर, सो इट विल बी टाइम पोर्शन इफ इंटरेस्ट, if forward rate is to be estimated for less than 1 year, agar 1 saal ka forward rate nikalna to fir interest rate bhi agar parana mein to fir to as it is use ho jayega, lekin agar 3 months ka to accordingly apne interest rate ko 3/12 karna hai. Abhi kiya pehle? Yes sir. Thanks for the working up. R Limited, Pakistani company, found the following data for the estimation of forward rate. स्पॉट रेट रुपीज पर यूएस डॉलर 175 के है, 177 के है, हमें क्या पता पहले बाएंगे जैसा नहीं। अच्छा, मैंने कल भी शायद कहा था बार बार आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड लिखा नजर आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सही लिखा हो, आपको पता ही बुक में टाइपिंग एरर अक्सर ही होते हैं, तो कंफर्म कीजिएगा डायरेक्ट कोड है। कैसे पता चला? पाकिस्तानी कंपनी है, हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, लोकल करेंसी पहले, फर्स्ट करेंसी कौन सी है इसमें? रुपीस। सेकंड करेंसी यूएस डॉलर, किसे सेकंड करेंसी होती है, वो तो हमेशा पहली होगी, इस लिखते हुए होगी, मतलब डॉलर हमारी पहली करेंसी तो है, नीचे इंटरेस्ट रेट सी है, इंटरेस्ट रेट दिए हैं पाकिस्तान का भी और यूएसए का भी, आपने फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है 3 महीनों का, 3 महीनों बाद का एस्टिमेट फॉरवर्ड रेट आफ्टर 3 मंथ्स, एक करवाएंगे आप ये दूसरा करेंगे, बाइंग फॉरवर्ड रेट मुझे करवा दें, सेलिंग फॉरवर्ड रेट आप कर लें, तो प्लीज करवा दें सर, बाइंग करवा दें, सेलिंग तो आप करते रहते हैं, बाइंग करवा, कंसंट्रेट करें, क्या निकालने का जल्दी जल्दी जल्दी, रेट बताएं, बाइंग बाइंग
175 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर फॉर्मूला नीचे नहीं देखना ऊपर वन प्लस फर्स्ट करेंसी पाकिस्तान 0.12 फर्स्ट करेंसी पाकिस्तानी रुपया उसका इंटरेस्ट रेट इंटू मेरी बैठ वाल जी बात का फैसला है पहले बैंकों को कन्वर्ट कर लेंगे बैंकों के रेट को बाइंग सेलिंग में फिर अपने बारे में सोच लेंगे बैंक की वर्किंग कर लेंगे बैंक का कर लेंगे अपना सीधा कर लेंगे बैंक का सीधा हो जाए अपना सीधा कर लेंगे बैंक का बाइंग रेट बैंक का बाइंग रेट बैंक का फॉरवर्ड रेट बैंक का बाइंग का फॉरवर्ड रेट डिवाइड बाय वन प्लस इंटरेस्ट रेट कौन सा सेकंड करेंसी कौन सी है 9% का 0.09 क्यों लिखा मैंने परसेंटेज 9% 0.09 इनटू ये 3 बटा 12 कहां से भी आई जा रहे हैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करें आंसर 136.28 क्या है ये फॉरवर्ड बाइंग रेट है फॉरवर्ड बाइंग रेट है अपने हाथ से दूसरी वर्किंग कर यंग स्टूडेंट्स आप लोगों ने किए ये मेरी स्पॉट रेट थी बस स्टूडेंट्स ओके प्लीज वन सेवेंटी एट पॉइंट थ्री जीरो कर लेते हैं यार थ्री जीरो पे आपका जेन जा रहा है सही जा रहा है मैंने इसीलिए लिखा टू नाइन से थ्री जीरो हो रहा है आपने सही बताया क्यों डर रहे हैं आप ना कहते किसी और ने कह देना था ये क्या मैंने बी और एस में क्यों लिख दिया कौन से रेट से कौन से रेट्स निकले नहीं मेरा वर्किंग समझ आ गई प्लीज किस चीज का फॉर्मूला है फॉरवर्ड रेट निकालने अज्यूमिंग के इंटरेस्ट रेट्स के इफेक्ट से एक्सचेंज रेट्स में वेरिएशन आती है ठीक है चले सर अब यहां से ऑनवर्ड्स आप तो पढ़ना चाह रहे हैं वन सेकेंड एक काम आपने करना है इससे अगला सफा कंसंट्रेशन जरा एक मिनट मैं कहना चाह रहा हूं ये जो आपके सामने भी वर्किंग हुई है ये हुई हुई थी डायरेक्ट कोट से नेक्स्ट पेज पे आपको इसका एक आंसर मिलेगा पहले पाकिस्तान रहते रहते ये जो एक्सचेंज रेट था स्पॉट रेट इसको पहले कन्वर्ट किया गया है इंटरेक्ट कोट में जब इंटरेक्ट कोट में आप कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट करेंसी डॉलर हो जाएगी और सेकंड करेंसी रुपीज हो जाएगी अगर इंटरेक्ट कोट से ये काम करना होता तो फिर कैसे करते ये वर्किंग नेक्स्ट पेज में हुई है और उसके बाद फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी हुई है नहीं नेक्स्ट पेज बस छोटा सा मासूम था इससे अगला पेज है मुझे उसी पेज पे जहां ये 178.30 है सॉरी है कहीं इसके नीचे का अल्टरनेट आंसर लिखा होगा ये अल्टरनेट आंसर चल रहा है समरी से ऊपर ऊपर कहीं ढूंढेगा समरी की हेडिंग है नहीं समरी की हेडिंग है अल्टरनेट से लेके समरी से ऊपर ऊपर तक इस डायरेक्ट कोट से इनडायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट से ये इंटरेस्ट रेट पेरिटी थ्योरी और उससे फिर एक अल्टरनेट वगैरह स्टोरी हुई है तो ये आपने घर से जरा रिवाइज करना कहां से कहां तक रॉबर्ट बोल दो साथ रहिएगा हमारी पूरी कोशिश होगी कि इन चीजों को मैक्सिमम हम क्लास में करें लेकिन कम से कम थोड़ा सा घर में इंशाल्लाह कल यहीं से दोबारा स्टार्ट करें अल्लाह हाफिज़ आई होप कि कल टाइम पे हम आ जाएंगे सारे ऑनलाइन सर्विस ठीक है आप भी अपनी इन्वॉल्वमेंट क्लास में बढ़ाएं सर अल्लाह हाफिज़